और इंजन, ठीक है। तो इसे हमें खोल लेना है बाय दिस, और मिल गया गाइस। सो हमारा एस्केप हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हियर। बस अपने को डोर हैंडल लगाना है, बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रैनी को एक बार किल करूँ। सो किल करने के लिए मैं डोर हैंडल पहले यहाँ पे डाल लेती हूँ, देन मैं अपनी स्टन गन लेके जाती हूँ और इसमें एमो फिल करती हूँ, क्योंकि अब हम मारेंगे ग्रैनी को, क्योंकि ग्रैनी को मारने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। सो पहले हम इसे बाहर फेंक देते हैं, और देन अपने को ये भी चाहिए, इसे भी लेकर जाएंगे हम। अरे यार निकलना बाहर, ठीक है। सो इसे भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, देन ग्रैनी को हम यहाँ पे कॉल आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी ग्रैनी को मार देंगे, ठीक है। अपनी शॉर्ट गन, स्टन गन, आई मीन स्टन गन भी रेडी है। सब सामान हमने यहाँ पे ला लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बैठना है और आपको ड्रॉप करना है। जैसे ड्रॉप करोगे ग्रैनी आएगी, वेट करना है, देखना है ग्रैनी कहाँ से आ रही है। और यहाँ पे जरा आप सेफली खेलना, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आप नीचे गिर सकते हो और ग्रैनी आपको किल कर सकती है, ठीक है। तो मैं भी सेफली खेल रही हूँ, क्योंकि हमें मरना नहीं है, क्योंकि हमने चैलेंज दिया है। डे वन में अपने को विदाउट वेपन की, विदाउट यूजिंग वेपन की चैलेंज कंप्लीट करना है। ग्रैनी गाइस स्लाइटली दूर है मेरे से, ठीक है। सो हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने अभी ग्रैनी की लोकेशन पता कर ली है। सो हम जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे करेंगे साउंड क्रिएट, ठीक है, और फिर किल करेंगे ग्रैनी को। और गाइस इसी के साथ हमारा ये चैलेंज भी कंप्लीट होता है। विदाउट यूजिंग वेपन की हमने डोर एस्केप कंप्लीट कर लिया है, वो भी डे वन में गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो गाइज मैंने डोर एस्केप कंप्लीट कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है। ये जो